नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक सिन्नी पंखा है। दोस्तों इस पंखे को डायरेक्ट किया हुआ है हमने, इसे जाली लगाया था। अब कस्टमर को पसंद आया जी, पंखा चला अच्छा, तो उन्होंने कहा इस पंखे को स्लो करना अपने को, तो रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें रेजिस्टेंस अलग आता है, पर आता है ट्रांसफार्मर वाला, मैं इसमें ऐसे लगाना प्लास्टिक वाला। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना इसके पीछे, ताकि आप समझ पाए इस पंखे में रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे। दोस्तों देखिए, आपको रेजिस्टेंस लगाने का है, और तो आपको पीछे तीन स्क्रू है, आपको तीन स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये आप दोस्तों अभी आपको ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे, ये तीन स्क्रू खोल लें। दोस्तों देखिए, हमने खोल लिया है, अभी हमारा डायरेक्ट किया हुआ ही है। अभी आपको क्या करने का है, दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस लगाने का है। तो रेजिस्टेंस देखिए, ये लगाने वाले हैं, तो रेजिस्टेंस थोड़ा अलग रहता है, ये इसको लगाएं तो काफ़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। अब दोस्तों देखो लगाना है इसको, इसको कैसे लगाएंगे, इसको क्या करें, मैं इसमें यह करने वाला हूँ, इसको ऐसे लगा के इस पट्टी द्वारा चढ़ करूँगा। इसके पहले क्या करें, छोटा वाइसर बड़ा देता हूँ एक, और एक छोटा वाइसर आपको इस तरह से रखना है इसके ऊपर, और नीचे से स्क्रू लगा देना है। दोस्तों देखिए, बड़ा वाइसर लगाने का कारण है, पट्टी हमारा काफ़ी बड़ा है, ये बड़ा वाइसर लगाने से क्या होगा, हमारी पट्टी काफ़ी दूर तक घेर लेगा ये, तो पट्टी हमारा छोटा हो जाएगा, तो उसके मैंने बड़ा वाइसर लगाया है। अभी आप स्कूल लाएँ, इस तरफ देख लें कि वाइसर को बड़ा यहाँ भी लगाना पड़ेगा कि छोटे में हो जाएगा। दोस्तों हमने पहले कहा आपसे कि आप बस खाली सोचें कि आपको काम करें। दोस्तों इधर भी बड़ा वाइसर चाहिए अपने को। दोस्तों देखिए, अभी मैं ऐसा लगाने वाला हूँ, ऐसा स्क्रू लगा दिया और ये लगा दिया, साथ में दोस्तों ये लगा दूँगा सेफ्टी वाला हमारा, ये तो पक्का जाकर उसे दबाएगा ये। दोस्तों उसको लगाने का कारण है खाली ये है कि ताकि कहीं जाए ना, भागे नहीं, इसके से लगा रहा हूँ मैं। इसको पहले फुल टाइट कर लें ताकि आपका रेजिस्टेंस जो है एकदम पूरी तरह मजबूत हो जाए उसके अंदर, ताकि निकलने का भागने का लफड़ा ना रहे। दोस्तों हमने आपसे पहले कहा कि आप बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। दोस्तों देखिए कितना मजबूत फिट हो गए, जब टस से मस नहीं होगा, कोई सोचेगा भी कि आइडिया लगाया होगा, उसको लगेगा इतना वजन है ये। दोस्तों अभी देखिए, इसको कैसे करने के लिए एकदम सिंपल है, बहुत आसान है ये। अभी आप देख पा रहे हैं हमारा पंखा डायरेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट जो किया हुआ है, आप क्या करें इसमें से आप एक बार खोल लें, आपने बार खोल लिया है, अभी हमारा एक बार था, दो बार बन गया ये। अभी आपका ये वाला जो है अपना वायर वाला वायर, इसको आपको जोड़ देना बीच में। दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको देखा पाऊँ मैं। दोस्तों हमारा बटन जो है ये ओरिजिनल कभी कंपनी का ये अभी तक बदली नहीं हुआ है। इसके देखिए नट वगैरह सब आराम से खुल रहे हैं, क्योंकि ब्रास के नट हैं। अभी जो आप लाएंगे स्विच लगाएंगे नया, उससे आगे वो आएंगे लोखंड के आएंगे, जंग लग जाएंगे। ये तो इतना सारा पुराना पंखा है, उसके बावजूद हमारा एकदम टकाटक है। दोस्तों हमारे बात थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी कम जगह मिल रहा है। दोस्तों इस बार को छील के थोड़ा लंबा कर लें, क्योंकि आपको स्ट्रेट करना उसके अंदर। फिर आप उसको ऐसा बना लें, उसमें डाल दें, डाल के वासे लगा दें और इन्हें टाइट कर दें।
दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्किप किए ताकि आप समझ पाए। दोस्तों अगर आप लोग इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक हमको सब्सक्राइब करने वाले लोग केवल 23% है। आप लोग खाली वीडियो देख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करने में कुछ खर्चा नहीं है, इसलिए आप बिना सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अभी आपने लगा लिया है, अभी आपका एक बार ये जो पंखे का इतना सिग्नल हुआ है, अभी आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन कलर के वायर हैं, दो वायर जो है रेड है और एक ब्लैक है एक ब्लू है। दोस्तों जो रेड है आपको एक वायर इसमें जोड़ देना है, इस तरह जोड़ दें। दोस्तों पहले टेप ना मारें आप, पहले आप सबको जोड़ लें, चेक कर लें, फिर टेप मारना लास्ट में। फिर दोस्तों ये नट खोल लें तीनों। दोस्तों देख पा रहे सभी नट पीतल के हैं, इसके वाइसर भी पीतल का है, इसे बड़े प्यार से खोल रहा है ये। दोस्तों क्या करना है आपको, आपको एक एक बार जो है तीनों आपको इन तीनों जोड़ देना है। दोस्तों जैसे वायर लगा है आपको सीरियल वाइज उसे लगाना है आपको, नहीं तो आपका स्पीड आगे पीछे हो जाएगा। एक लाइन से वायर है तो आपको एक लाइन से लगा देना है। और दोस्तों हमारा इसमें चलेगा हमारा जो फर्स्ट है सबसे फर्स्ट, ये हमारा चलेगा हाई स्पीड, जो बीच में है वो चलेगा मीडियम स्पीड, जो ब्लू वाला है ये चलेगा स्लो स्पीड। दोस्तों आपका पंखा हो आपको रेजिस्टेंस लगाना हो और तो आप चाहें तो अपने घर पे भी लगा सकते हैं। आप दुकान पर जाएं, आप बोलें टेबल फैन का रेजिस्टेंस दे दो प्लास्टिक वाला। दोस्तों एक आता है इसमें गर्म भी होता है, ये दोस्तों ऐसा है कि गर्म वर्म नहीं होगा, जैसा है इसे रहेगा ये। तो इसको लगाना बहुत अच्छा है, प्लास्टिक वाले जो पंखे होते हैं उसमें लगा सकते हैं आप इसको। बाकी दूसरा आता है लाल कलर में लंबा सा रहता है वो लगाएंगे, तो उसको आप खाली लोखंड वाले पंखे लगा सकते हैं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये आप किसी पंखे में लगा सकते हैं, प्लास्टिक बॉडी वाला हो या कोई बॉडी वाला हो, क्योंकि ये गर्म होता नहीं इसके अंदर। अब दोस्तों ना टाइट हो गया है, एक बार आप चेक कर लें कि आपका रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी नया भी खराब रहता है। हाँ दोस्तों देखिए हमारा रेजिस्टेंस काम कर रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं बल्ब, देखिए आप खुद मालूम पड़ जाएगा आपको, हमारा स्लो पे ये एकदम स्लो जल रहा है, उससे तेज हुआ है और ये उससे तेज हुआ है, यानी फुल हो गया है। अब दोस्तों क्या करें, पहले आप इसको टेप मार दें। दोस्तों आप चाहें और तो इस इन दोनों वायर को यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटा है फिर कौन जॉइन जॉइन करें उसके अंदर, इससे मैं उसको डायरेक्ट टेप मारता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ वायर है भी नहीं जिससे वायर गर्म होगा पिघलेगा, इसमें कोई खतरा नहीं है, तो उसके लिए मैं इसको टेप मार दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखिए मैंने टेप मार दिया है, अभी आपको इसको इस तरह फिक्स कर लेना है और आपको ये नट लगा देना है। दोस्तों इसको फुल चार्ज करना है, क्योंकि नहीं तो हिलेगा, और प्रेशर करके आवाज़ आएगा, तब आपको इसको फुल चार्ज करना है।
ताकि वाइब्रेशन ना करे, कि पतरे बॉडी वाला पंखे में लफड़ा रहता है हमेशा, हल्का सा आवाज़ आता रहेगा, झंझन झंझन करता रहेगा ये, तो आपको इसके लिए फुल टाइट करना है। हाँ दोस्तों टाइट है ये। अब दोस्तों पंखा सीधा रख ले, एक बार चेक कर लें कि आपने जो एसी लगाया है कि हमारा ओके है कि नहीं ओके है, हमारा पंखा स्लो फास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों देखिए हमने आपसे पहले कहा था कि हमारा पंखा एक नंबर सबसे फास्ट रहेगा, और उसके बाद में ये मीडियम है और ये एकदम स्लो है। इस तरह से प्रेशर लगाएं और पंखों को स्लो करना हो तो स्लो कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि डालो वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों कुछ समझना तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।